Hey guys, what's up? Welcome back to Fit Muscle TV. I know बहुत ही अरसे बाद मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, but I'll tell you the reason for that also. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वर्कआउट करते वक्त आपको इंट्रा वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैंने देखा है जिम में बहुत लोग BCAA लेते हैं, उसमें ग्लूकोन डी डाल के पीते हैं. क्या वो करना सही है, क्या वो करना गलत है? Keep watching the video, we'll be back. Hey guys, what's up? Welcome back. आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी. मेरा नाम है गौरव. सो मोस्ट ऑफ यू गाइज हु फॉलो मी ऑन मदर चैनल ऑल्सो नोट कि मेरे को एक यहाँ पे इंजरी चली थी, बैक लॉम्बॉन में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं डंबल उठा रहा हूँ चेस्ट मारते हुए, सो साइड से दिखाता हूँ, अगर मेरा राइट हैंड यहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे जा रहा है, इट्स लाइक सो अगर मैं शोल्डर प्रेस भी मार रहा हूँ, मतलब मेरा हाथ अनइवन जा रहा है, सो इस हाथ से पावर नहीं आ रही. फिर पता क्या होता है, मेरा खुद भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, कि मेरे को लगता है कि आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय, इफ आई गो आई ब्लास्ट ऑल आउट. मैं ऐसा नहीं करता कि जिम चला गया, हाँ बस थोड़ा सा बहुत करके आ गया. मैं जाता तो फिर मैं फाड़ के आता हूँ, तो उस चक्कर में मेरा भी मन नहीं करता जिम जाकर, पूरा रिकवर हो जाऊँ तब जाऊँगा. बट हाँ, अभी धीरे धीरे रिकवरी काफ़ी अच्छी है. बट इन सब चीज़ों में कहना, ये जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं ना, ये मेरी गलती ही थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस, बट बिकॉज आई हैव हैड अ 17-year लॉन्ग करियर, मैं 17 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और वो गलती अनजाने में होती गई होती गई होती गई, और अब जाके वो स्टेज पर आ गई है कि वो बॉडी ने गिवअप कर दिया और ऐसा हो गया. इंडिया में बहुत लोगों को नहीं ज्ञान होता, छोटी छोटी बातों का नहीं ध्यान देते, वो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, आपको तो शुरू के 5-6 साल आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा क्या गलत कर रहे हो आप, फिर वो बिल्डअप होता है, फिर भी आप उसको नज़रअंदाज करते हो नज़रअंदाज करते हो. उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो एक लंबा टॉपिक बन जाएगा. आज बात करेंगे कि इंट्रा वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली ग्लूकोन डी, सिंपल कार्ब्स आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्लूकोन डी. इट्स अ ग्लूकोस ड्रिंक, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. आप देखेंगे रनिंग में बहुत लोग उसको हल्का हल्का ग्लूकोन डी लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपने देखा होगा जहाँ पे भी मैराथन्स होती है, बट वेट ट्रेनिंग में उसका कितना महत्व है. सिंपल ग्लूकोन डी जब आप लेते हैं, आपका इंसुलिन राइज होता है, बिकॉज वो आपका ब्लड में जाके आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और इंसुलिन का काम होता है कि उस ग्लूकोज को, उस ब्लड ग्लूकोज को ले जाके वो करेक्ट जगहों में सप्लाई करे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट ग्लूकोज लेते हैं, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा. नाउ इंसुलिन स्पाइक कर्ब्स डाउन योर फैट लॉस प्रोसेस, और इट कर्ब्स डाउन योर एनाबॉलिक हॉर्मोन्स इन द बॉडी. इसीलिए बोलते हैं कि जैसे रात को मीठा नहीं खा के सोना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक होता है, और इंसुलिन ड्यूरिंग द वर्कआउट यू नीड अ स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट लेवल्स ऑफ इंसुलिन. सो 95% ऑफ द टाइम्स इफ यू आर टेकिंग इंसुलिन ड्यूरिंग योर वर्कआउट, आई डू नॉट रिकमेंड दैट. अगर आप एक सिंपल BCAA ड्रिंक लेते हैं, उसको आप ले सकते हैं, बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं देती. BCAA मिमिक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर नॉट एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर अमीनो एसिड विच मिमिक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क लगता है. ऑल्सो अगर आपका वर्कआउट 40-45 मिनट्स लास्ट करता है, आप बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं करते, देन प्रॉब्ली यू कैन स्किप द यूज़ ऑफ BCAA अगर आप बिगिनर हैं. नाउ इफ़ यू टेक टू केसेस, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं जब अगर मैं हैवी लेग्स कर रहा हूँ, मैं हैवी बैक कर रहा हूँ, देन आई रियली फील कि BCAA से मेरे को हेल्प मिलती है, और उसका यूज़ करने से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है. स्पेशली जब आधा वर्कआउट खत्म हो गया, पहला सेट खत्म हो गया मेरा स्क्वाट का, लेग प्रेस का, फिर मैं लंजेस मारने आ रहा हूँ, आई रियली फील दैट इफेक्ट. सो देन आई रिकमेंड पीपल हु आर सीरियस, हु आर कम्पीटिंग, हु वांट टू टेक द फिजिक टू द नेक्स्ट लेवल, उनको लेना चाहिए. बट अगर आप उसी में ग्लूकोन डी ऐड कर देंगे, तो वो पूरा आपका जहाँ पे आप यहाँ चल रहे हैं, आपको नीचे लेके आ जाएगा. मैंने ग्लूकोन डी भी ट्राई किया है. ग्लूकोन डी से आप जब लेंगे ना, आपको फील गुड आएगा. वाई? बिकॉज वो आपकी ब्रेन को फ्यूल देता है. यू जब आप वर्कआउट करते हैं, आपका शुगर लेवल डाउन चला जाता है, आपका ग्लाइकोजन लेवल डाउन चला जाता है, यू फील डिप्लीटेड, यू आर स्वेटिंग इन द जिम, पसीना आपको, यू आर लूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, यू आर लूजिंग फ्लूइड्स. सो एज सून एज यू ड्रिंक ग्लूकोन डी, आपको एक फेक सेंस ऑफ एनर्जी मिलती है, वो आपकी ब्रेन में एक शुगर रश आता है, एंड यू फील गुड. बट आई हैव सीन कि अगर मैं सिर्फ पानी पी के भी वर्कआउट करता ना, देर इज़ नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट लेवल, तो वो बिल्कुल ही सेम रहता है. सो इंट्रा वर्कआउट को यहाँ पे रैप करते हैं. इंट्रा वर्कआउट मतलब जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप ग्लूकोन डी मत लीजिए, क्योंकि उससे इंसुलिन स्पाइक होता है. इंसुलिन आपको एक वर्कआउट के ड्यूरिंग स्टेबल लेवल चाहिए.
आपका वो फैट लॉस अगर आप कर रहे हो उसमें हैम्पर करेगा, आपका जो ग्लूकॉन डी है सिर्फ आपकी ब्रेन को वो शुगर सप्लाई करेगा, यू विल फील गुड। इंसुलिन जैसी आपका स्पाइक होगा ड्यूरिंग द वर्कआउट इट इज नॉट गुड, इट विल हैम्पर योर मसल गेन ड्यूरिंग द वर्कआउट, आपका वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं कि वर्कआउट खत्म होने के बाद क्या आप ग्लूकॉन डी ले सकते हैं प्रोटीन शेक में डाल के, बिकॉज यूजली व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप वर्कआउट खत्म करते ही एक वे प्रोटीन ले और साथ ही साथ वे प्रोटीन के आप एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स ले। इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन आपकी शुगर्स को मसल पे लेके जाएगा जहां पे आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है। नाउ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी बिलीव दैट व्हेन इंसुलिन टेक्स ग्लाइकोजन टू द मसल इट कैरीज अमीनो एसिड आल्सो एंड डिपॉजिट्स इट देयर, तो इसीलिए इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बट रिसेंटली इट हैज बीन प्रूवन दैट इट्स अ मिथ, इंसुलिन कैनॉट कैरी अमीनो एसिड्स, इंसुलिन विल ओनली कैरी ग्लूकोज या सिंपल कार्ब्स, ये आपका ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करेगा। जब आपने वर्कआउट किया, आपने बाइसेप मारी, तो बाइसेप स्पेशली इस मसल का ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है क्योंकि उसी से आपको एनर्जी आई थी वर्कआउट करने की। अब आप वर्कआउट के बाद दोबारा सिंपल कार्ब्स खाते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन उस कार्ब्स को मसल पे लेके जाता है, सिर्फ कार्ब्स को, अमीनो एसिड्स को नहीं लेके जाता। तो उस समय क्या आप सिंपल कार्ब्स लेंगे, यहाँ पे एक डिमार्केशन आती है फॉर गाइज हु आर वेरी स्किनी, फॉर गाइज जो कि जिनको मसल मास आराम से नहीं चढ़ता, जो एक्टोमॉर्फ है, उनके लिए 50-50 रेशियो ऑफ अ वेरी सिंपल कार्ब प्लस ग्लूकॉन डी। सो ग्लूकॉन डी को मैं सिंपल कार्ब की कैटेगरी में नहीं रखता, मैं ग्लूकॉन डी को ग्लूकोज ही बोलता हूँ, बिकॉज सिंपल कार्ब भी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती है और ये जो आप ग्लूकॉन डी डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले रहे हैं, ग्लूकोज एंड हाफ सिंपल कार्ब्स माइट वर्क गुड फॉर गाइज हु आर वेरी एक्टोमॉर्फ, वेरी स्किनी, नहीं चढ़ती, कुछ भी खा ले मसल नहीं चढ़ती, वर्कआउट कर ले कुछ भी कर ले नहीं चढ़ती मसल। बट फॉर 90% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल जस्ट टेकिंग अ सिंपल कार्ब विल वर्क, एंड सिंपल कार्ब में वाइट राइस, वाइट ब्रेड, स्वीट बन इज माई फेवरेट, लाइक मुझे गजब रिजल्ट मिलता है स्वीट बन खाने से, जो 5 रुपये का था लाल पन्नी में और जिसके अंदर चेरी होती है, स्वाद भी उसका बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। काम्स में है कि डू नॉट रिप्लेनिश टू मच, जितना गया है उतना ही करो, उससे कम भी करोगे तो काम चल जाएगा, इफ यू टेक एक्स्ट्रा इट जस्ट मेक्स यू फील ब्लोटेड, एंड ऑल्सो वेन वंस यू टेक ग्लूकोज ना, ग्लूकोज का ये डिसएडवांटेज रहता है ड्यूरिंग द वर्कआउट ऑल्सो यू फील ब्लोटेड, जैसे जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं अगर आप ग्लूकॉन डी पी रहे हैं तो आपके पेट में पड़ा रहेगा, इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड दैट टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम योर बॉडी का प्रायोरिटी आपका वर्कआउट करना, ब्लड पम्प करना उस पर्टिकुलर मसल में, पेट में जो गया है उसको डाइजेस्ट करना बॉडी की प्रायोरिटी नहीं होती, सो इट्स अ बैड आइडिया। सो टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, इंट्रा वर्कआउट में ग्लूकॉन डी लेना वेरी बैड आइडिया, पोस्ट वर्कआउट में ग्लूकॉन डी लेना फॉर गाइज हु आर वेरी स्किनी, बहुत पतले हैं, हाफ एंड हाफ, फॉर मोस्ट ऑफ अस डोंट टेक ग्लूकॉन डी देयर ऑल्सो, जस्ट गो विथ सिंपल कार्ब, ब्रेड, राइस, पटेटो आई थिंक इट्स इन द मिडल, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, सो पटेटो आई विल कीप इट विद मील, आई वुड नॉट टेक इट पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट स्वीट बन इज sweet spot. So thank you for watching this video. Also there is a sale which will be live tomorrow, link is in the bottom, supplement sale hai. If you buy 6000 worth of stuff you will get 29% off, you know what's the code to apply, Gaurav29, link is in the description. Thank you for watching this video, bye bye, take care, namaskar, and see you all. Aur bhai ek meri help karo, like I want to make मोर वीडियोज ऑन टॉपिक लाइक दीज, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी साइंस लोगों को नहीं पता और जो कन्फ्यूजन्स हैं मार्केट में। आई डोंट वॉन्ट टू मेक बाइसेप ट्राइसेप वीडियो, मैंने बहुत कर लिया, 3 साल से फिट मसल टीवी चल रहा है एंड लोग मेरे को बोलते हैं आपके वीडियोज़ कम आते हैं, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड एक लेवल सेट किया है हमने इस इंडस्ट्री में और उस लेवल को मेंटेन करके अब उसके ऊपर के वीडियोज जो मुझे बना लेना वो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी लेवल की और इन्फॉर्मेशन दो, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट, कुछ अच्छे टॉपिक्स हों, कुछ साइंस बेस्ड टॉपिक्स हों वो डिस्कस करेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। एंड अभी रिसेंटली ऑल्सो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो आई यूज़ टू टॉक अ लॉट अबाउट एनाबॉलिक्स, फिर कुछ ऐसा हो गया कि एनाबॉलिक्स के बारे में बात भी करो थोड़ा सा, लोगों को बताओ भी, तो एक टैग लग जाता है आपके ऊपर कि आप प्रमोट कर रहे हो, एंड यू गाइज नो कि आई हैव नेवर हैड दैट इंटेंशन, मेरा इंटेंशन हमेशा रहता है कि इस इंडस्ट्री को कुछ दे के जाना है भाई, क्योंकि इस आज मैं जो भी हूँ मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही हूँ, सो थोड़ा सा उन टॉपिक्स को भी मैं टच करूँगा, पेप्टाइड्स को टच करूँगा, HGH को टच करूँगा, एनाबॉलिक्स को टच करूँगा, क्लैनबुट्रोल को टच करूँगा, सो प्लीज़ आई वॉन्ट योर सपोर्ट, प्लीज़ बी विद मी, एंड एट नो पॉइंट इट विल बी कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड एज ऑलवेज कीप लविंग यार, थैंक यू, बाय।
we lose ourselves.